अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद शेफ व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है होममेड ऑर्गेनिक एप्पल जैम। इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करेंगे, ना ही इसमें शुगर का यूज़ होगा, और इसे आप आराम से एक महीने तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। हमने यहाँ 5 एप्पल्स लिए थे, ठीक है। अब हमने उनकी स्किन रिमूव कर दी है और एप्पल को इस तरह से कट कर लिया है। ये जो एप्पल के जो यहाँ पे छिलके हैं ना, इन्हें हमने डिस्कार्ड नहीं करना, इनका भी हमने इस जैम में यूज़ करना है। यहाँ एक सॉस पैन में मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है और 1 कप पानी मैं और ऐड करूँगी। और जो ये हमने एप्पल की स्किन थी, जो एप्पल के छिलके थे, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ 2 दालचीनी के टुकड़े यानी सिनेमन स्टिक्स हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। अब इसको 15 से 20 मिनट तक हमने पकाना है। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। देखें, अब इसे यहाँ पकते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जो ये छिलके हैं, जो इसकी एप्पल की स्किन है, इसको हम निकाल देंगे इसमें से, ठीक है। इस तरह से हम सारे जो इसके छिलके हैं वो रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे इसमें से, ठीक है। हमने यहाँ सारे एप्पल के जो छिलके थे वो निकाल दिए और जो दालचीनी डाली थी वो भी निकाल दी है, ठीक है, इसमें से हटा दी है। अब जो हमने यहाँ एप्पल्स अपने कट किए थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे, जब तक एप्पल सॉफ्ट होएंगे तब तक पकने देंगे, ठीक है। एप्पल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें। अब इसे हम ब्लेंडर में डाल के ना ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। देखें, ये ब्लेंड हो गए हैं एप्पल्स, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी इनकी। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये है मेरे पास गुड़, देसी गुड़ है, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे ठंडा होने के बाद देखें आप कितना ये थिक हो चुका है, ये देखें आप, ये देखें। ये हमारा होममेड ऑर्गेनिक एप्पल जैम कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसे हम दिखाते हैं आपको, ये देखें, बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मार्केट से बहुत अच्छा बनता है ये, मार्केट का तो आपको पता है कैसा होता है वो जैम, ये तो बिल्कुल हमें पता है, हमने ख़ुद घर में बनाया है, तो बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बनता है, ये देखिए आप। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हम अपनी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।